खंडवा जिले के खालवा की एक आदिवासी किशोरी को 20,000 रुपए में बेचने और उसका विवाह करवाने के आरोप में एक महिला दलाल, कथित दूल्हा और परिजनों को पुलिस ने हिरासत में लिया। किशोरी का दूसरा विवाह करवाने का प्रयास किया जा रहा था, जबकि उसका 2 वर्ष का बच्चा भी है। कलेक्टर को अज्ञात व्यक्ति द्वारा फोन पर मिली सूचना से इस षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ। इस मामले में पुलिस ने लड़की के फूफा को भी गिरफ्तार किया, जिसने इस बच्ची का दैहिक शोषण किया था। पुलिस और महिला बाल विकास विभाग द्वारा पूरे मामले की जांच की जा रही है। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध पॉक्सो एक्ट सहित अन्य गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज किया। दरअसल ओमकारेश्वर में किशोरी के विवाह की सूचना किसी अज्ञात व्यक्ति ने कलेक्टर तन्वी सुंदरियाल को दी। कलेक्टर के निर्देश पर एक टीम गठित की गई। इस टीम ने ओमकारेश्वर पहुंचकर जांच शुरू की। पुलिस ने किशोरी दुल्हन और करीब 22 वर्षीय दूल्हा को धर दबोचा। कलेक्टर तन्वी सुंदरियाल ने बताया कि यह ह्यूमन ट्रैफिकिंग और कम उम्र में शादी का भी मामला था। फोन पे एक अननोन व्यक्ति द्वारा शिकायत मिली और ये बहुत सौभाग्य का बात है हम लोग सबके लिए कि उस शिकायत को सीरियसली भी लिया और उस शिकायत पे त्वरित कार्रवाई करके उस बच्ची को बचाया भी और त्वरित उसका FIR भी कायम हो गई और पूरा एक तरह से जो बेच मतलब ह्यूमन रैकेटियरिंग या ट्रैफिकिंग का भी इशू था, अंडर एज मैरिज का भी इशू था और बच्ची और उसकी बच्चे का रिहैबिलिटेशन का भी इशू था, ये तीनों के ऊपर हम लोगों ने बहुत जल्दी कार्रवाई कर ली और हम अब कोशिश कर रहे हैं कि उसको अच्छे से अच्छे तरीके से रिहैबिलिटेट कर पाएं ताकि वो अब्यूज़ के सर्कल से बाहर निकल पाए। पुलिस का कहना है कि आरोपी दूल्हा और लड़की का सौदा करने वाली दलाल महिला को हिरासत में लिया गया है। वहीं पीड़ित लड़की के दुष्कर्म का आरोपी फूफा अभी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। आरोपियों पर पॉक्सो एक्ट सहित अन्य गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया। मानधाता में एक FIR रजिस्टर की है। एक बालिका को अपहरण करके ले जाकर उसके साथ विवाह कराया जा रहा था, तो हमने जो आरोपी दूल्हा है उसको और जो बालिका का फूफा है उसको भी आरोपी बनाए हैं। इसमें बालिका को जब रिकवर किया गया तो उन्होंने बताया कि मेरे साथ 2 वर्ष पूर्व भी दुष्कर्म की घटना की गई थी, तो इसमें उस बालिका के परिजन फूफा को भी आरोपी बनाया गया है। साथ के साथ में एक महिला का भी संलिप्तता, महिला की संलिप्तता इसमें सामने आई। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, पेश कर दिया गया। पुलिस गिरफ्त में आने के बाद आरोपी दूल्हे ने अपना बचाव करते हुए कहा कि मैंने खरीदा नहीं, मुझे गरीब बताकर कपड़े और शादी के लिए खरीदारी करने के नाम पर 20,000 रुपए मांगे थे, मैंने 15,000 रुपए दे दिए थे। हमने तो कोई लड़की खरीदी नहीं है, उनने तो हमको फंसाया है, लड़की वालों ने बोले हमको 20,000 रुपए दे दो, हम लड़की के लिए कपड़े लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे, ये बोला है। और हमको उसकी 2 शादी हो चुकी है, ये भी नहीं बताया। लड़की का हमको बताया ही नहीं कि बालिग है कि ना बालिग, 2.5 साल का लड़का है। सिर्फ 15,000 रुपये दिए थे सर, 5,000 रुपये ओंकारेश्वर में मांग रहा था। अब मैं विकलांग हूँ एक पेड़ से, हमको लड़की मिल नहीं रही थी, बहुत जगह सारी ढूंढे हमने। SP शिवदयाल सिंह ने बताया कि खालवा प्राथमिक शाला के दस्तावेजों के अनुसार किशोरी की उम्र करीब 16 वर्ष है और क्षेत्र की एक आदिवासी महिला ने किशोरी के परिजनों से 20,000 रुपए में उसका सौदा किया था। दबंग न्यूज के लिए खंडवा से शेख रहीम की रिपोर्ट।